आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन से हिसाब से बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस जो है वो आपके ट्रू है एक आइडियल गैस के लिए, राइट। सो देखो, आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस है, राइट। सो उस वो केस क्या होता है कि आइडियल गैस वो केस होती है जिसमें जो हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि नो इंटरेक्शंस जो होती हैं वो आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट। नो इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट, राइट। अब देखो, आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास एक पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन सारे एक्सप्रेशन निकाल कर देखते हैं। पहला एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, राइट। सो मुझे निकालना है आपका डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, राइट। सो ये हम कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके देखना होगा विद रिस्पेक्ट टू डेल टी, राइट, और कॉन्स्टेंट पी पर। तो पी को कॉन्स्टेंट ले, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास डेल वी बाय डेल टी, राइट। कॉन्स्टेंट हमने ले लिया पी, विच विल बी इक्वल टू एन, हमारे पास आर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, और टी का डिफरेंशिएशन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, राइट। सो देखो, यहाँ से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि आपके पास जो फिर डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी होगा वो आपका क्या है, एन आर बाय पी के इक्वल आ रहा है, राइट, नॉट जीरो के इक्वल, राइट। सो इसलिए ये आपका एक्सप्रेशन गलत हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये हमारा फर्स्ट निकल कर आ गया। अब हम सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, फाइन। सो सेकेंड आपके पास क्या है, डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी आपको लेना है। सो अगेन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, बट इस बार वी कॉन्स्टेंट है, राइट। सो आपके पास पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी जो थी वो आपकी इक्वेशन थी। सो इसमें आप लिखोगे डेल पी बाय डेल टी, हमने करा पी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट वी, वी कॉन्स्टेंट है तो वो आपका एज इट इज रहेगा, एन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट, अगेन टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी जो होगा वो आपका एन आर बाई वी के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये भी जीरो के इक्वल नहीं है। सो ये भी गलत हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करती हूँ, देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखो थर्ड बेसिकली क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट है आपके पास क्या है, डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, राइट। सो ये बेसिकली क्या होती है, आपकी फर्स्ट थर्मोडाइनमिक इक्वेशन स्टेट होती है, राइट। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ये आपका इक्वल होता है टी डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी के, राइट। सो ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं बात करती हूँ देखो डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू की, सो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी हमने निकाला, देखो आप ये देख सकते हो ये वाली वैल्यू है आपके पास। सो ये आपके किसके इक्वल है, एन आर बाय वी के, सो ये एन आर टी बाय वी हो गया, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से अगर मैं पी की वैल्यू निकालती हूँ सो वो भी क्या हो जाएगा, एन आर टी बाय वी, राइट। सो इसको सॉल्व करोगे ये जीरो निकल कर आया, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन आपका करेक्ट है, सो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। बट अगर मैं यहीं पर देखो फोर्थ की बात करती हूँ, सो आपके पास क्या है, फोर्थ क्या है आपके पास, डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी जो है ये बोल रहा है जीरो। देखो ये नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज ऊपर से ही आपको पता लग जाएगा कि अगर हमारे पास डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी हमारा जीरो के इक्वल है, सो कैसे आपका डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी जीरो के इक्वल हो सकता है। सो ये आपका गलत होगा, राइट। सो आपका ऑप्शन थर्ड ही यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।